राम दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो, इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। ये जो तुम सीता को निस्सहाय कह रहे हो, उससे पता चलता है कि तुमने मेरी पुत्री को पहचाना ही नहीं। राम, मेरी पुत्री निसहाय नहीं है, उसका सहायक है उसका धर्म, और जिस स्त्री की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसहाय और निर्बल नहीं रह सकती। प्रभु, जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वो प्रजा इतनी कृतघ्न और पाषाण हृदय हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व तो है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं? किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्था बस हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है, हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न ये है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी, लेकिन वो निर्दोष है उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहां है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है।